है ना। हाँ एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ रखी, वो मिलती है तब पता चलता है यहाँ रखी, ये यहाँ पर है, एक और है इधर, you know, so it's like this is like a bhul bhulaiya itself. We also did not know. तो एक बार देखते हैं इधर इतना जगह होगी, फिर ये कोई चीज थी, I think they kept something very secret. This has got a key for it, separate key for itself also here. Working. This is the way the indicators used to come out. पर ये भी ये किसी ने निकाला था तो किसी ने अड़ा ली थी साइकिल वाले ने, तो कूड़ी है इंडिकेटर। यहाँ से लेके गया था स्पेशल प्लेन आई थी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में, वहाँ पर एक राइनो रोग हो गया था, तो ब्रिटिश केम तो केम वहाँ पर वो मार नहीं पा रहे थे उसको, he was taken there and he shot the rhino there. My name is Suryavir Singh and my father Maharaj Bhagirath Singh is his name. He is the owner of this property here and I am his son Suryavir Singh. And we will convert this into homestay basically. Now let me explain to you, we belong to the royal family of Eder. There was a Eder state prior to 1947, the independence, erstwhile state, Eder state, Kolkata. So in 1947 when India got independence, only one, you know, 3/4 of the country got independence. So only around 40% of the country went back to the Raja Rajwade, unke paas wapas sud chali gayi thi. So out of the 40% which was, the Raja Rajwade the, 565 BC states thi, which was in Pakistan, India, both the places. So these are rulers ke paas option diye gaye the, you can join India, you can join Pakistan or you can rule independently. उसके वजह से आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, वाई इज इट सो फेमस, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ, इन राजा रजवाड़ों के पास गए और उन्होंने बोला इंडिया के साथ जुड़ाओ, तो इंडिया के साथ जो जो जुड़ाया तो उसका यूनिटी, दैट वर्ड कम्स फ्रॉम दैट दैट पॉइंट, ही यूनाइटेड दीज इंडिपेंडेंट किंगडम्स टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. आउट ऑफ द 565 प्रिंसिपल स्टेट्स जो थे, 225 स्टेट्स आर इन गुजरात इटसेल्फ. अपन बिल्कुल राजस्थान के बारे में, राजपूत यानी राजस्थान, प्रिंसली स्टेट यानी राजस्थान, गुजरात के बारे में कुछ दिमाग में आता ही नहीं, तो ये वो 225 प्रिंसली स्टेट्स इन गुजरात इटसेल्फ. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू, देयर इज अ हायरार्की व्हिच ब्रिटिश यूज्ड टू मेंटेन, यानी तोपों की सलामी से पता चलता था कि कितना स्टेट इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा है. ओके, सो 21 गन सल्यूट सबसे बड़ा रिस्पेक्ट हुआ करता था कोई भी स्टेट के लिए. तो देखो 521 गन सल्यूट स्टेट पूरी कंट्री के अंदर, नॉर्थ में अगर अपन चालू करते हैं तो जम्मू कश्मीर, देन ग्वालियर, गुजरात में एक था तो बड़ोड़ा बायकवाड़ी थी, देन डाउन इफ यू गो देन हैदराबाद एंड देन डाउन साउथ मैसूर, ये 521 गन सल्यूट्स वर वेरी लार्ज फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिक, यू नो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली मिलिट्री फाइट, उन लोग की इतनी बड़ी थी देखो सपोर्टेड 21 गन सल्यूट से. उसके बाद हायरार्की के अंदर ऑड नंबर्स में होता था, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, एंड फिर जब छोटे छोटे राजा रजवाड़ा थे वो नॉन गन सल्यूट स्टेट हुआ करते थे. मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ईडर कहाँ पर आता है इसके अंदर वो बताने के लिए. 21 मैंने आपको इसको बताया गुजरात वॉज के अंदर एक ही था, देट वॉज गायकवाड बड़ोड़ा, देर वॉज नो 19 गन सल्यूट स्टेट इन गुजरात. 17 गन सल्यूट स्टेट एक थी, देट वॉज कच्छ, महाराजा ऑफ कच्छ, महारावल ऑफ कच्छ, देन देर वॉज ओनली 115 गन सल्यूट स्टेट, देट वॉज नीडर, एंड ऑल द अदर स्टेट्स वर 13, 11, 9 और नॉन गन सल्यूट. सो इफ यू लुक एट आउट ऑफ द 225 एज फार एज द हायरार्की वॉज द गन सल्यूट सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, हमारा थर्ड नंबर गुजरात के अंदर आता था बिकॉज बेस्ड ऑन द गन सल्यूट. नाउ हमारी फैमिली कौन सी फैमिली है, वी आर पार्ट ऑफ द जोधपुर रॉयल फैमिली. 1740 के अंदर यंगर ब्रदर ऑफ जोधपुर केम एंड कॉन्क्वर्ड महाराजा आनंद सिंह जी एंड केम एंड कॉन्क्वर्ड दिस एरिया और ईडर की रियासत उन्होंने इस्टेब्लिश करी यहाँ पर. 100 साल के बाद 1843 के अंदर जोधपुर में गादी खाली हुई, गादी खाली होना मतलब देयर वाज नो मेल हेयर, सो यहाँ से अडॉप्शन, बिकॉज इट वॉज द सेम फैमिली हेयर, यहाँ से अडॉप्शन हुआ. तो यहाँ पर ईडर के महाराजा के यंगर ब्रदर थे महाराजा तखत सिंह साहब, महाराजा तखत सिंह साहब उनको यहाँ से अडॉप्ट करके ही वॉज लेटर महाराजा ऑफ जोधपुर इन 1843. सो ही वेंट फ्रॉम हेयर
अगेन ना मारा जाओ जोधपुर, अगर आप कभी जोधपुर जाना होगा आप जोधपुर का मेरंगर फोर यू विल सी एंटायर रीजन एरिया व्हिच इज बी डेडिकेटेड टू हिम और अक्षत भवन एंड यू नो दैट उनका रहने का स्थान था जो था इसलिए मेरंगर फोर्ट में ये रहते थे इनके. देन व्हाट हैपेंड इज आफ्टर 60 इयर्स वापस यहाँ पर गाड़ी खाली हुई जोधपुर से वापस यहाँ पर गाड़ी खाली हुई. इनकी जो एल्डेस्ट सन थे महाराजा जसवंत सिंह जी उनका फैमिली जोधपुर के अंदर अभी भी रूल कर रहा है और उनके जो थर्ड सन थे महाराजा जसवंत प्रताप सिंह उनको यहाँ पर वापस अडॉप्ट करके ही वाज ही रिक्वेस्टेड फॉर द थ्रोन ऑफ ईगर एंड ही वाज ग्रांटेड द थ्रोन एंड ही केम हियर एंड बिकेम द महाराजा ऑफ जोधपुर से ही केम हियर इन 1900 एंड ही बिकेम द महाराजा ऑफ ईगर. बेसिकली हम इनके सन है दौलत सिंह जी उनके नाम पे दौलत विलास पैलेस ओके और दौलत सिंह जी के सन एल्डर सन का नाम था हिम्मत सिंह जिनके नाम पे हिम्मत नगर नाम था इससे पहले हिम्मत नगर का नाम अहमद नगर ओके हिम्मत नगर आफ्टर हिज नेम एंड इनके हिम्मत सिंह जी के यंगर ब्रदर थे मान सिंह जी वो घोड़ा लेके आ रहे हैं तो मान सिंह जी वॉज माई ग्रेट ग्रैंड फादर ही मेड दिस प्रॉपर्टी इन 1927 प्रॉपर्टी के बाहर उनका ही नहीं भगत सिंह वो भागीरथ सिंह जी है जो दैट इज माई फादर राइट नाउ हु इज द प्रेजेंट ये भागीरथ सिंह जी माई फादर हु इज द ग्रैंड सन इनके सन है उमेश आई थिंक वो रोड का नाम रास्ता निकले अंदर तो वो मान सिंह जी मार्ग हो गया उमेश सिंह जी मार्ग इस साइड उमेश सिंह जी मान सिंह जी मार्ग है वो लाल बोर्ड देखा तो दैट इज नेम्ड आफ्टर हिम एक्चुअली सो ही मेड दिस प्रॉपर्टी इन 1927 इनके सन थे उमेश सिंह जी सन भागीरथ सिंह नगर भागीरथ सिंह जी हमारे भाई माई फादर and myself जैसे now this person sir प्रताप सिंह जी जो है he है he was 1886 1896 के अंदर अफगान वॉर इन्होंने लड़ रखा है 1897 में he was fighting the तेरा के अंदर 1900 के अंदर he was fighting the boxer rebellion in China वहाँ से फिर गए 1914 के अंदर 70 year old man he went to fight the first world war 1914 से 1918 से 1918 तक he was in France and Israel fighting the first world war tab india nahi tha we were part of the british so they were fighting for the leaders for the imperial forces okay so they were fighting for the british army british india actually those hisab se and in haifa there was haifa israel ke andar ek fortified city hai okay it was ruled for 300 years by the ottoman empire ottoman empire was the muslim ka wahan ka raj tha pura they had machine guns and all that guns, machine guns, and it was a fortified city. इनकी जो लश्कर है जोधपुर लांसर्स ही वाज रिप्रेजेंटिंग जोधपुर हैदराबाद लांसर्स एंड मैसूर इनकी तीन टुकड़ी 400 घोड़े पे सवार होके दिस गाइस अटैक एंड दे इट वाज द लास्ट रिकॉर्डेड कैवलरी चार्ज यानी स्पीयर्स एंड तलवार जो भाला और तलवार के साथ इन लोगों ने उन लोगों को वहां से खाली किया and they it was the last recorded cavalry charge which the anybody has ever won so in log ki history mein centenary was celebrated in 2018 celebrating the 100 years aaj jo israel ka relationship india ke sath hai it is not because of the politicians of today but 100 saal pehle in logon ne un log ki jaake wahan se itni madad kari thi that's why they continue the good relationship with india is because of the past what we have actually helped them and sacrificed for them and there have been a lot of if you search about the Haifa story you will actually get a lot of thing on the Google also to aapko pata chalega how great these people were in that time when they were warriors. This is my photograph along with my father my grandfather and my son so humko ye char generation ki photograph hai Maharaj Man Singh ji is the fifth generation unke father Daulat Singh ji is the sixth generation unke father Pratap Singh ji is the seventh generation unke father Pratap Singh ji is the eighth generation यहाँ एट जनरेशन की आपको फोटोग्राफ दिखती है जनरली अपन लोग एक जनरेशन 25 साल का देखते हैं कैलकुलेट 25 200 ईयर्स माइनस 400 फ्रॉम राइट नाउ 1821 ही वाज बोर्न आई गॉट
बहुत ये बिच्छू आकार के अंदर प्रॉपर्टी है. If you look at the aerial view, ये बिच्छू आकार के अंदर आपको देखेगा. We are at the body of the scorpion. There are steps के ऊपर चढ़ते तो दो घूमट स्टेप साइड में सकते हैं. They represent the eyes. When you walk towards your rooms, the open galleries represent the front claws of the scorpion. वो सर्कल में से आप नीचे उतरते हो, that represents the joint. उसके आगे और गैलरी जाती थी. And if there was another building there. वैसे के वैसे मिरर इमेज एक बिल्डिंग इस साइड में भी थी. सो दैट वेंट टू माई ग्रैंड फादर्स ब्रदर्स. सो दे हैव सेटल्ड, वन इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. तो उन्होंने मकान सहित जमीन बेच दी उधर एंड दे सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. वन इज सेटल्ड इन बॉम्बे द फैमिली. सो दैट्स हाउ दोज प्रॉपर्टीज साइड में आपको सोसाइटीज दिख रही है. वो भी पैलेस कंपाउंड में ही था, लेकिन भाई बंट के अंदर जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता गया सो दोज प्रॉपर्टीज आर गॉन. स्विमिंग पूल के साइड में आपने बारियां देखी होंगी. दे अगेन नो अकोमोडेशन, दे आर नॉट रूम्स. दे अगेन आर टू गैलरीज विच रिप्रेजेंट द रियर लेग्स. So that go from the main body, ऐसे पीछे जाते हैं. That go to two buildings on the left and right side. वो मेरे अंकल्स के पास चला गया. एक मेरे यंग बीच वाले अंकल के और एक छोटे अंकल के पास. So that's two legs have gone now. Two hands have gone. So central body is here. So आपने जो dining area आपने देखा है उसके पीछे वापस एक gallery है. अच्छा. That gallery connects to the kitchen building, रसोड़ा जो बोलते हैं. रसोड़ा और store building पीछे हुआ करता था. So that is represented by another gallery and then the school building used to represent the sting. Mm-hmm. Oh, the rasoda tha is the sting of this party. So if you look at the aerial view, that is the entire whole thing. Myself, actually, when we were joint family, everybody used to be living here actually. Okay. That is the portrait of Maharaja Himmat Singh Ji, jilke naam pe Himmat Nagar. Okay. Us side of the photograph of the younger brother Maj Singh Ji, jinhone ye property bought. That is my great grandfather. Okay. These are various other silverware which you see, the decanters and the picnic sets of ye sab, just to show that these were the ways when people used to go for picnics. Ye sab leke jaya karte the. As a family now, I'll let you know, hum log ko agar ye poochta hai ki aap Rajasthani ho, Gujarati ho, kya ho, 300 saal se to hum log yahan par hi hain. So technically we are Gujarati. Okay. But our bloodline is from Jodhpur. So we are basically from Marwad. Okay. So we are from Rajasthani also. We are living in Gujarat. My mother, basically I start with my wife. My wife is from Chhattisgarh. Okay. So she is from the royal family of Sarguja in Chhattisgarh. My mother, she is from the Rana family of Nepal. So she is a Nepalese. Aadha to main Nepali. And she is half Indian because her mother is from India. From Rajasthan. Okay. So then my grandmother, she is from UP. My great grandmother, she was from Rajasthan, Karoli. Okay. My sister, she is married in Madhya Pradesh. So if you look at it, we don't have one particular thing that we follow. When it comes to cuisine, लड़कियाँ जहाँ से आती हैं, औरतें जहाँ से आती हैं, या जहाँ जाती हैं, वहाँ का food का culture they carry along with them. So in our house, we have an entire culture of cuisine, which is a mixture of North Indian cuisine. तो हमारा एक time का अगर खाना होगा तो हमारा जो खाटा होगा means कड़ी जो होगी जो राजस्थान की खा रहे होंगे हम लोग. You understand? And अचार होगा वो नकली अचार होगा. You know? So it's a mixture of multiple things in one particular meal. So that is how you will see aaj aapko dinner ka. I don't know if you enjoyed the lunch or not. It was great. There is no what you call outside cook. Hamara jo cook hai wahi aapke liye banate hain khana. So it is the same home food with the home masala which I made. Agar last minute mein aake aap bol do ki mere 5 aur friends aa rahe hain, aap unko bhi aap khila do, hum nahi khila sakte. Because we don't have ready masalas. Hamara jo khana ban gaya wo ban gaya. इतने लोग हैं उनके लिए खाना बना. सो एवरीथिंग इज कुक्ड फ्रेश फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम एंड फॉर दैट पर्टिकुलर मील. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर प्रॉपर्टी एंड एनी अदर प्रॉपर्टी व्हिच इज द होटल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. वी आर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ होम स्टे काइंड ऑफ अ बुटीक प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी दैट यू गो. आई एम टेकिंग यू टू द एरिया व्हिच इज कॉल्ड द जनाना सेक्शन. जनाना मेंट लेडीज सेक्शन. कौन सी कार है? BMW. This is the modern classic 1997 BMW 328i convertible. This is a hardtop convertible. It's a
थ्री वो लॉक्स है, तीन लॉक्स आई बट बोलो दो आदमी पर्दे के ऊपर चढ़ा दे पूरी खुल जाती है. देन इट इज गॉट अ कोलैप्सिबल सॉफ्ट टॉप आल्सो यू नो ऑटोमेटिकली. दिस इज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स कार. Here you see the vintage car, it's a 1948 model Buick, made in America. Basically, it's an 8-cylinder vehicle. Okay. Yes. 1948. Yes. In 1950, this is, you heard of, you've seen Morris. Morris MG, actually, three engine are there. This is the original MG. This is the original Morris Minus. MG Morris Garage is 1950 convertible. Keys bhi andar hi hai. They're all working condition. Haan, maine video mein dekha tha. Yes. So you followed us. Haan, definitely, definitely. Hum aa rahe the, check kar rahe the yahan pe. That, the oldest vehicle here is the Jeep. That is the 1942, second model was the Jeep. इलेक्ट्रिक है क्या? This is the way the indicators used to come out. पर ये भी ये किसी ने निकाला था तो किसी ने अड़ा दी थी साइकिल वाले ने तो कूड़िया. अच्छा. इंडिकेटर. We try and keep all the cars in functional condition when we do pre-wedding shoots के लिए लोग आते हैं तो शादी आ गई. They want to use it within the compound. बाहर नहीं भेजते. अपने compound के अंदर जो होता है उनके लिए भी अलग. अभी मैंने आपको अंदर explain किया था कि there is a टेल सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. दिस एंटायर गैलरी वेयर पीछे आप देखो विंडोज ऊपर दिख रही है उस साइड बाहर. दैट रिप्रेजेंट्स द टेल एंड दैट इज द पूरा स्कूल रसोड़ा था पूरा. दैट वाज द होल किचन. वो पूरी स्कूल बन गई. तो यहाँ से लेके गया था स्पेशल प्लेन आई थी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में. वहाँ पर एक राइनो रोग हो गया था तो ब्रिटिश केम टुक हिम एंड वहाँ पर वो मार नहीं पा रहे थे उसको. He was taken there and he shot the rhino there. इनका ओल्ड रिकॉर्ड है. This single man with the largest number of tiger shot. कितना? अपनों को अभी dubious लगता है. नहीं कितना रिकॉर्ड? That point in time it was very essential because उनका जो main part छत्तीसगढ़ और अंबिकापुर का था, they had to manage the number of population of the tiger. Tigers तो हिरण को मार लेता है, हिरण घास खाता है, तो you know it's like there is a control chain. This chain को balance करने के लिए उस time पे the rulers knew exactly how many animals are there. How many they needed to control. So उस टाइम के अंदर बट थोड़े टाइम के बाद तो नशा भी हो जाता है. इतने कर लिए तो और भी कर लो. There is a different thing. Hmm. अरे वो उदयपुर सिटी पैलेस में था ना ऐसा. This is a smaller version. वो बहुत मस्त था. Yeah, this is we are a much smaller place than City Palace. This is basically the Victorian furniture. मैंने आपको जो नीचे बात करी थी, that was all art deco. This is the Victorian furniture which was there in Ealer का जो palace घर था ऊपर, palace बना हुआ है. वहाँ पर से we came here, तब वहाँ पर ये shift हो गई furniture लेकर लाया गया है. These are various different artifacts here, which you will see. I will show you a few things here. ये आपने देखा उस टाइम पे जो हमारे जो एक्सेस तो दादी दादी वाली जो होंगे उन लोग का भी पर्सनल ड्रेसिंग टेबल था और ड्रेसिंग मेकअप किट्स प्लस देयर व्हाट यू कॉल ज्वेलरी एंड एवरीथिंग का था. ये देयर आर मल्टीपल थिंग्स. ये देखो इसके अंदर आपके यहाँ पर फॉर देयर राइटिंग यू नो पेपर्स एंड एनवेलप्स एंड स्टफ फॉर कैप्चर. This was there. Once you open this, there are multiple hidden boxes which are there, which you only get to know
once things keep coming out, ye aaya, you know, then this also comes out. This is huge. Okay, फिर ये box खुलता है, फिर यहाँ से हम लोग को भी नहीं समझ में आ रही थी, फिर ये खुलता है lock, okay, and ये चीजें निकलती हैं इधर से. है ना, हाँ एग्जैक्टली. कौन सी चीज कहाँ रखी? वो मिलती है तो पता चलता है यार. ये यहाँ पर है, एक और है इधर, है ना. सो इट्स लाइक दिस इज लाइक अ भूल भुलैया इटसेल्फ. वी आल्सो डिड नॉट नो. तो एक बार देखते हुए इधर इतना गैप होगी, फिर ये कोई चीज थी. आई थिंक दे केप्ट समथिंग वेरी सीक्रेट. दिस हैज गॉट अ की फॉर इट, सेपरेट की फॉर इटसेल्फ आल्सो हियर वर्किंग. दिस आल्सो गॉट अ लॉक एंड की व्हिच इज नॉट सेपरेट. These things come out here, separate hidden places. काफी टाइम से होगा, अभी पता भी नहीं होगी. नहीं, we also discovering. There's so many places, so many things which we also are not aware. स्टेट के जो भी उस टाइम पे किंग हुआ करते थे उनके नाम का फोटोग्राफ एंड डिटेलिंग वुड कम ऑन टू दैट. ओके, द डॉग का कॉलर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम सिल्वर में. व्हेन दे वर एक्स्ट्रा वैगन, दे वर रियली एक्स्ट्रा वैगन. क्लॉक, यू नो, दे आर ऑल फंक्शनल अभी भी. घड़ियाल बड़ी चालू से पॉकेट वॉचेस, पॉकेट वॉचेस और शेल्डन. तो देन ऑफ कोर्स देन देयर आर वेरियस अदर स्मॉल लिटिल थिंग्स विच आर ऑन डिस्प्ले हियर. शी इज योर मदर? नो, दैट्स माय ग्रैंड मदर. माय नानी. दैट्स दिस फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑफ मंगलदास में. अगर कभी जाओगे अहमदाबाद के अंदर, आपको ये फोटोग्राफ वहां पर दिखेगी. हाँ हाँ, आप बोल सकोगे मैं इनसे मिल चुका हूँ. सो दिस इज सूर्यवीर सिंह. ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम. कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है प्लेस की, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली. और यहाँ पे रहने की बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, उसकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर द टूर. थैंक यू. थैंक यू. आप बोलना तो टूर आपको दे देंगे यहाँ पे. थैंक यू. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको जो हिस्ट्री और जो टूर है वो पसंद आया होगा. एंड थैंक यू, स्पेशल थैंक यू टू सूर्यवीर सिंह जिन्होंने हमें ये ट्रिप ऊपर तक दी है. अपना जो ऊपर का जो फ्लोर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे लेके गए, पूरा कमरा है वो दिखाया, सब जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी, मदर की, उनके मदर की, वो भी सारी चीज़ें हमें दिखाई, कलेक्शन उनका, कार्स का, वो सब दिखाया. थैंक यू सो मच अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव होने वाला है उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले. एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड बाय द वे, इस प्रॉपर्टी के दो और वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, तो वो जरूर देख लेना. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना. विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय.